हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र कुमार, मैराथन कोच, ऑनलाइन ट्रेनर। आज अपने जितने भी लड़के हैं उन सबको मोटिवेट करने के लिए आज मैं लॉन्ग रन करने जा रहा हूं। टारगेट है कि आज 25 किलोमीटर दौड़ूं, ताकि मेरे जितने भी लड़के हैं जो कि वीडियो मुझे देख रहे हैं, वो SSC GD झारखंड चौकीदार या उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं ये रन कर रहा हूं। एज ए कोच मेरा ये मानना है कि जब तक एक अच्छा कोच वो है जो खुद दौड़ के दिखाए, तब ये चीज़ बनता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, मैं अनकट वीडियो बना करके दिखाऊंगा। पूरा 25 किलोमीटर का रहेगा, हम लोग का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस आपको दिखाऊंगा। तो अब हम लोग थोड़ा देर में रनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। रेडी सर? विनोद बिहारी चौक है सर। ठीक सर, स्टार्ट कीजिए सर। स्टार्ट, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आराम से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सर का ऐसे 1 किलोमीटर होते हुए जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर सर का पूरा हुआ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इस तरह ये राजा बेड़ा पुल के पास हम लोग का 2 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए, ये मीटर। बहुत अच्छा हिल पे पिक किए हैं सर, बहुत अच्छा हिल पे पिक किए हैं। जैसा कि हम सब देख सकते हो दोस्तों, सर का 3 किलोमीटर पूरा होते हुए टाइम 12:40। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं सर का किलोमीटर पूरा होते हुए 4 किलोमीटर सर ने पूरा कर लिया है। टाइम लगा है 17:24। जैसा कि हम देख सकते हैं सर, सर का 5 किलोमीटर पूरा होते हुए 21:22। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, सर का 6 किलोमीटर यहाँ पूरा होते हुए टाइम गिरा है 26:24। ये DVC प्लांट सर क्रॉस करते हुए धीरे कर।
बढ़िया रहे सर। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, सर का 7 किलोमीटर पूरा होते हुए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 7.5 किलोमीटर आपने कंप्लीट कर दिया सर। आराम से, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 8 किलोमीटर पूरा होते हुए अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये हम देख सकते हैं दोस्तों, चंदपुरा SBI शाखा से हम होते हुए गुजरते हुए सर का दूरी होते हुए कवर होते हुए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हम लोग सिद्धू कानू मुर्मू चौक से होते हुए गुजरते हुए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, 40 मिनट में सर का 9 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, चलते रहिए सर। जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, सर का 45 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर पूरा होते हुए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम लोग सर स्वास्तिक हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, सर का 49 मिनट 46 47 सेकंड में 11 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, सर ने हम लोगों ने विनोद बिहारी चौक से स्टार्ट किया था और हम लोग टीमोड़ के पास आ चुके हैं, लगभग लगभग टाइम हम लोग का 53 मिनट के आसपास लगा है, हम लोगों ने 12 किलोमीटर लगभग लगभग पूरा कर लिया है, 12 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने विनोद बिहारी चौक से स्टार्ट किया था और हम लोग पटना गैरेज के सामने आ चुके हैं, यहाँ लगभग लगभग 13 किलोमीटर की दूरी हम लोग की पूरी हो जाती है और सर की यहाँ लगभग लगभग 13 किलोमीटर दूरी पूरी हो चुकी है। टाइम जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, लगा है
59 मिनट 5 सेकंड और सर हमारे ठीक 13 किलोमीटर की दूरी लगभग पूरी करते हुए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बेरमो विधानसभा क्षेत्र यहाँ से खत्म, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों ये बेरमो विधानसभा क्षेत्र चालू होते हुए और सर का यहाँ पे 13.5 किलोमीटर लगभग पूरा होते हुए। ये हम लोग जाते हुए, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, हमने लगभग 14 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 3 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर ली है और हम लोग पटना गैरेज से लगभग 1 किलोमीटर आगे आए हैं। ये हमारे सर, इनका 14 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए अब यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे। और सर ने हमारे यहाँ तक लगभग यू टर्न ले लिया है। बहुत सही, बहुत सही सर, बहुत सही। 14 किलोमीटर हम लोग क्रॉस करते हुए, और यहाँ हम लोग का 14 किलोमीटर से अधिक क्रॉस होते हुए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्रॉस मार्जिन, देख देख गाड़ी। जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, सर ने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली है। ये टाइम लगभग 1 घंटा 8 मिनट 41 सेकंड लगा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हम लोग लगभग बीच में था दोस्तों, ये हम लोग लगभग टी मोड़ के ठीक सामने आते हुए यहाँ सर का 16 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए डिस्टेंस आप हम जैसा कि देख सकते हैं मीटर पे दिख रहा है और टाइम जो लगा है वो लगभग 1 घंटा 13 मिनट 46-47 सेकंड के आसपास लग गया है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, आपने 16 किलोमीटर कम्प्लीट कर लिया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये हम लोग टीमोड़ पहुंचते हुए यहाँ का सर लगभग 16 किलोमीटर से अधिक पूरा कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग टीमोड़ को क्रॉस कर चुके हैं लगभग वापस रिटर्निंग में। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं सर का लगभग 17 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और ये सर आ चुके हैं लगभग 17 किलोमीटर सर ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। टाइम जो लगा है वो 1 घंटा 18 मिनट 42 सेकंड के आसपास लगा है दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि हम सब देख सकते हो दोस्तों, ये हम लोग चंदपुरा मोड़ पे हैं। चंदपुरा मोड़, ये जो बिलबोर्ड दिखा, बिलबोर्ड की तरह हम लोग देख रहे हैं, हमारे इसके दाएं, इसके बाएं रटारी है, और उसके बाएं ओर अगर आप मुड़ेंगे तो लगभग लगभग टी मोड़। ऐसे हम चौराहे पर आते हुए, और ये हम लोगों ने लगभग लगभग सर को, सर हमारे सर को देखिए, लगभग लगभग हमने चौराहा क्रॉस कर ही लिया है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, हमने रिटर्निंग में स्वास्तिक हॉस्पिटल को क्रॉस कर लिया है। लगभग लगभग हमारे सर स्वास्तिक हॉस्पिटल के आसपास आते हुए, अठारह किलोमीटर सर लगभग लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया। चलो, जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने 18 किलोमीटर की दूरी लगभग लगभग पूरी कर ली है। जो टाइम लगा है वो है 1 घंटा 24 मिनट 18 सेकंड। जैसा कि हम सब देख सकते हैं दोस्तों, सर ने 19 किलोमीटर की दूरी को लगभग लगभग पूरा कर दिया है। और जो और इस बीच में 19 किलोमीटर पूरा होते हुए जो टाइम लगा है वो है 1 घंटा 29 मिनट। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, 1 घंटा 29 मिनट में सर ने 19 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं, सर ने लगभग लगभग सिद्धू कानू मुर्मू चौक को क्रॉस कर लिया वापस रिटर्निंग में, और ये लगभग लगभग दूरी 19.5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। हम लोगों ने 19.5 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस कर लिया है, ये हम देख सकते हैं सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये केंद्रीय विद्यालय की ओर हम लोग वापस रिटर्निंग में आते हुए, हम लोग वापस, हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग वापस आते हुए SBI को क्रॉस करते हुए रिटर्निंग में, ये दूरी लगभग लगभग 20 किलोमीटर के आसपास हम लोग क्रॉस आने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग डी टाइप कॉलोनी को वापस रिटर्निंग में क्रॉस करते हुए, दोस्तों जैसा कि हम सब देख सकते हैं, हम लोग डिनोबली स्कूल के पास आ चुके हैं। ये लगभग लगभग हम लोगों ने 20 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है, और टाइम जो लगा है वो लगा है 1 घंटा 34 मिनट 13.14 सेकंड। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख सकते हैं, सर ने लगभग लगभग रिटर्निंग में हम लोग ने CTPS चंदपुरा थर्मल पावर सोसाइटी के पास हम लोग आ चुके हैं, और ये जो दूरी लगी है वो लगभग लगभग 20 किलोमीटर से अधिक की हो चुकी है सर। दोस्तों बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हम लोग, हम लोगों ने लगभग लगभग 21 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है, और हम लोग ठीक ये चंदपुरा DVC प्लांट के ठीक सामने हम लोग आ चुके हैं। लगभग लगभग ये देख सकते हैं, और इसके ठीक बगल में ये फुटबॉल ग्राउंड है। हम लोगों ने लगभग लगभग 21 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, सर हमारे आते हुए जो टाइम लगा है दोस्तों, वो लग रहा है 1 घंटा 39 मिनट 46.48 सेकंड। देख सकते हैं दोस्तों, 1 घंटा 39 मिनट 52 सेकंड में हम लोगों ने 21 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख सकते हैं, हम लोगों ने लगभग लगभग 22 किलोमीटर की दूरी को पूरा कर लिया है, और हम रिटर्निंग में आते वक्त ये CISF चौकी के ठीक सामने खड़े हैं। ये टाइम लगभग लगभग 1 घंटा 44 मिनट 49 सेकंड के आसपास आ गया है। सर ने लगभग लगभग
22 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है, जैसे हम सब देख सकते हैं दोस्तों हम सब देख सकते हैं कि सर ने 22 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है। जो टाइम लगा है वो 1 घंटा 45 मिनट 16 सेकंड में लगा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं हम लोगों ने वापस रिटर्निंग में आते हुए सियासत चौकी को क्रॉस कर लिया है। ये लगभग लगभग दूरी 22.5 किलोमीटर की होती है। जो टाइम हम लोगों ने कंज्यूम किया है वो लगभग लगभग 1 घंटा 47 मिनट किया है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख सकते हैं हम लोगों ने वापस रिटर्निंग में आते हुए केंद्रीय विद्यालय को लगभग लगभग क्रॉस कर लिया है। ये जो दूरी है लगभग लगभग 23 किलोमीटर में लगभग लगभग 200 मीटर कम है। जो टाइम हम लोगों ने कंज्यूम किया है वो 1 घंटा 49 मिनट है। देख सकते हैं दोस्तों 23 किलोमीटर लगभग लगभग कंप्लीट होते हुए जो टाइम हुआ है लगभग लगभग वो 1 घंटा 49 मिनट 43 सेकंड है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख सकते हैं हम लोगों ने 23 किलोमीटर की दूरी को लगभग लगभग कवर कर लिया है। जो टाइम लगा है वो 1 घंटा 51 मिनट 6 सेकंड है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख सकते हैं हम लोगों ने 24 किलोमीटर की दूरी को कंप्लीट कर लिया है। हम वापस रिटर्निंग में आते हुए ये सीआईएसएफ चौकी से बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोगों ने 24 किलोमीटर की दूरी को कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं जो टाइम लगा है दोस्तों वो 1 घंटा 56 मिनट 33-34 सेकंड के आसपास लगा है। 24 किलोमीटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये फाइनल किलोमीटर सर देते हुए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। लास्ट 1 किलोमीटर है सर, लास्ट 800 मीटर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। लास्ट का 500 मीटर है सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। लास्ट का 400 मीटर है सर। बहुत अच्छा सर, चलिए चलिए और ज्यादा नहीं, और ज्यादा नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा देखिए हम लोगों ने 25 किलोमीटर की दूरी लगभग लगभग पूरी कर लिया हम लोगों ने। देखिए देखिए भाइयों, जो टाइम लगा है वो लगा है 1 घंटा 2 मिनट। हेलो, 1 घंटा 2 मिनट 31 सेकंड में हम लोगों ने 25 किलोमीटर की दूरी को लगभग लगभग पूरा कर लिया है दोस्तों। फिर से बोलिए। 25 किलोमीटर 2 घंटा 2 मिनट 52 सेकंड में हो गया कंप्लीट। ये वाला मतलब हाँ, ये वाला दोस्तों, ये कंटेंट मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो भी लड़के एसएससी जीडी झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस बिहार पुलिस चौकीदार झारखंड चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं वो लोग मोटिवेट हो सके। मैं एक कोच हूँ, मैं अपने साथ में अपने लड़कों को दौड़ाता हूँ। आजी हाँ गौतम, ये गौतम है, ये आनंद है, ये बोकारो स्टील सिटी से मेरे पास आ रहे हैं। मैं चंद्रपुरा एरिया में रहता हूँ और ये गौतम, ये गुजरात से आए हुए हैं मेरे पास एसएससी का तैयारी करने के लिए।
तो आप में से कोई लोग भी एसएससी का, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड चौकीदार, आर्मी का, ये सब का तैयारी करना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का फैसिलिटी उपलब्ध है। देखिए, मैं अपने लड़कों को मोटिवेट करने के लिए खुद आज 25 किलोमीटर दौड़ा हूँ। पूरा अनकट वीडियो होगा, देखिएगा, किलोमीटर बाय किलोमीटर मैं दिखाऊंगा। और जिस रूट में मैं दौड़ा हूँ, ये रूट एलिवेशन वाला है, कहने मतलब कि हर जगह अप डाउन है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। फिर भी मैंने 2 घंटा 2 मिनट 52 सेकंड यानी कि 2 घंटा 3 मिनट के अंदर में 25 किलोमीटर को कंप्लीट कर दिया है। आप मेरा हालत देख सकते हो, देख रहे हैं, पूरा कीचड़ लग गया। सामने दिखा दीजिए, ये सब देखिए, पूरा कीचड़ लग गया है, बारिश हुआ है, रोड भीगा हुआ है, गीला रोड है, रोड में इतना हैवी गाड़ी चलता है, गाड़ी दिखा दीजिए, गाड़ी इतना हैवी गाड़ी चलता है, फिर भी हमने इस तरह का किया है। अगर आप लोग में से कोई भी लड़का सही तरीके से तैयारी करेगा तो विश्वास मानिए, 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर दौड़ना, 10 किलोमीटर 1 घंटा के अंदर दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं सिर्फ लिमिटेड लड़कों पर काम करता हूँ, 4-5 लड़कों को लेकर के मैं तैयारी कराऊंगा ऑफलाइन में और ऑनलाइन के लिए पूरा सीट अवेलेबल है। और मेरे साथ जो भी मेरे साथ ग्राउंड में रन करना चाहते हैं, वो झारखंड के बोकारो स्टील सिटी के चंद्रपुरा एरिया से हैं, तो मुझे इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इस तरह का कंटेंट पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाए रखिए, जैसे मैं इस तरह का जेन्युइन कंटेंट बनाऊं तो आप लोगों को जरूर मिल जाए। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।